हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। तो बेटा, आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं इंग्लिश का। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, हमने हर चैप्टर को 2 पार्ट में करा है। तो बिना देरी लगाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। कहानी स्टार्ट होती है, ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। ऑजेबल जो है किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता सीक्रेट एजेंट के, मतलब ऑजेबल कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है फॉलर को। फॉलर ने कभी भी, जैसे कि हमने कभी भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कि एजेंट कैसा होता है, या मतलब जो जासूस वगैरह कैसे होते हैं, हमारी निगाह में होता है कि भाई सूट बूट पहन के बहुत बढ़िया आदमी होता होगा, स्मार्ट होता होगा, बहुत दिमाग लगाता होगा। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड अ रूम। तो जब उसको फॉलो करता हुआ वो जहाँ पर ही रुका होता है वहां पर जाता है, तो मस्टी कॉरिडोर मतलब जो एरिया होता है ना, बड़ा ग्लूमी टाइप का होता है। ग्लूमी बोले तो मतलब कि बहुत सैडी सैडी, बहुत पुराना टाइप का, गंदा सा, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया है ना, जहाँ पे ओजेबल ने रूम ले रखा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। तो फॉलर को ना फील लेट डाउन होता है, मतलब उसे लगता है कि यार, मतलब मैं फीलिंग से गया था कहीं पे किसी को देखने के लिए, उसे लग रहा था कि बहुत बढ़िया इंसान होगा, बड़े मजे आने वाले हैं, उसे लगता है कि यार आज तो उस डाउन गलत आदमी के पास आ गया। इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा रूम था ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, छठे छठे मंजिल पे था, टॉप फ्लोर पे। एंड स्केयर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और कहीं से भी जैसे कि ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं रोमांटिक एडवेंचर के लिए जा रहे हो तो वहां तुम जा सकते हो, छठे फ्लोर से तो दुनिया दूर दूर तक की दिखाई देगी ना। मतलब कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सीक्रेट एजेंट के साथ वो आज आया हुआ है। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑजिबल एक चीज तो पक्का था, क्या था वो? मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका एक्सेंट, बात करने का तरीका। तो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली। वो फ्रेंच और जर्मन दोनों पैसेबली, मतलब कभी जैसे कि एक आदमी होता ना कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोल रहा है, या फिर कुछ दूसरे, तुम किसी दूसरे स्टेट के हो तो तुम्हारी लैंग्वेज में हिंदी टच भी आ रहा है और उस स्टेट की लैंग्वेज का टच भी आ रहा था। तो ऐसी इसकी लैंग्वेज में क्या है, फ्रेंच और जर्मन दोनों का टच आ रहा था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर अगो। उसने कभी भी अपना अमेरिकन एक्सेंट नहीं खोया, क्योंकि वो पेरिस, ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन, क्योंकि वो पेरिस आया था बोस्टन से 20 साल पहले आया था, बट आज तक उसका अमेरिकन का एक्सेंट नहीं छूटा। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल ने उसको, ओजेबल भी समझ गया, ओजेबल ने उसको देख के बोला कि तुम पक्का उदास हुए होगे, ठीक है ना। और ओजेबल सेट विजली ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर का ऐसे ऐसे करते हुए बोलता है, यू वर टोल्ड दैट आई वाज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियनिंग एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, जो कि बहुत खतरनाक खतरनाक डील्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, लोगों को उनसे बचाता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलने वाले थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो, और यू एनविंस्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, क्रैक ऑफ द पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। और तुम आए हो मुझसे मिलने की, तुम्हें लगा कि आज रात मेरे साथ रुकोगे तो यहाँ बंदूकें चलेंगी, गोलियां चलेंगी, मतलब पूरा फिल्मी सीन हो जाएगा। पर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम इस बात, अब ये चीज तुम्हारे साथ नहीं होने वाली, तो तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन। तुमने सोचा था कि तुम मजे करोगे, बंदूक गोलियां देखोगे, दारू वारू उड़ेगी, है ना, बट हो क्या रहा है, तुम एक ऐसे डल से आदमी के साथ आज की रात बिता रहे हो, एक मोटे से आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, गेट्स ओनली अ प्रोस्थेटिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज रूम। और तुम्हें कुछ नहीं, बस कॉल्स वगैरह आएंगी तुम्हारे सामने, ये सब काम होगा, कोई इतना बड़ा कुछ रोमांटिक कुछ या फिर खतरनाक कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बोर हो चुके और हो गए भी। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर। हंसता हुआ आदमी वो गेट खोलता है, मतलब जिस रूम में भी जा रहे होंगे गेट खोलता है वो। ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड एसाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और फिर सबसे पहले अपने गेस्ट को अंदर जाने देता है कि हाँ भाई तू जा पहले। यू आर डिसइल्यूजन, ऑजेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड। और कहता है कि मुझे पता है तुम डिसइल्यूजन हो गए, मतलब तुम्हारा इल्यूजन था कि बहुत मजे आने वाले हैं, अब तुम्हारा इल्यूजन टूट गया है, बट अभी भी वेट करो मेरे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ। अभी तुम कुछ देर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर देखने वाले हो, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा दी थी, रिस्क पे लगा दी थी। कम टू मी समडे सम जून, दैट पेपर विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। और वो पेपर इतने इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास आते हैं, मतलब मेरे पास आएंगे, वो पूरी हिस्ट्री चेंज कर सकते हैं। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। तो तुम्हें लग रहा है ना कोई ड्रामा है, कुछ होने वाला है,
या नहीं भी होगा, ठीक है। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मान के चलो, जैसे कि साइंटिस्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इनके पास आने वाले हो सकते हैं। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, उसके बाद अंदर घुसने के बाद ऑजिबल बात करता करता गेट को बंद कर देता है। उसके बाद वो स्विच ऑन लाइट करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन होती है, फॉलर हैज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फॉलर को अपने दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल जाता है। क्यों मिल जाता है भाई? फॉर हाफ ऑफ वे अक्रॉस द रूम, रूम में जितना भी बड़ा रूम होता है उसमें आधे रूम में, आधे रूम के गैप में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ होता है छोटी सी पिस्टल लेके, ऑटोमेटिक पिस्टल लेके, ऐसे रूम के बीचों बीच खड़ा हुआ है। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजेबल थोड़ी देर तक तो अपनी आंखें ऐसे ऐसे ब्लिंक करता मतलब देखता रहता है। मैक्स उसके बाद वो बोलता है, अरे मैक्स यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, और तुमने तो मुझे चौंका दिया एकदम से, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम। मैक्स वाज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टेल, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। मैक्स क्या है? एक बहुत शातिर इंसान, लंबा सा इंसान है, और क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस बिल्कुल जैसे लोमड़ी नहीं होती, एकदम शातिर दिख जाते चेहरे से ही चला के, उस टाइप से दिख रहा था बंदा। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेंशनिंग, और उसके हाथ में बंदूक थी और उसके अलावा कुछ खतरनाक ऐसा कुछ देखने को नहीं लग रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाते हुए कहता, रिपोर्ट दे मुझे रिपोर्ट, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स आने वाला था वो उसी डॉक्यूमेंट्स के लिए वो भी खड़ा हुआ था, मतलब उससे डॉक्यूमेंट लेना चाहता था जो उसके पास आएंगे ऑब्जर्वर के पास। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मिसाइल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए आया। तो कहता है, हाँ तुम्हारे पास मिसाइल के कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। आई थॉट आई वुड मेक टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा कि मैं तुमसे ये डॉक्यूमेंट ले लूँ, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन योर्स, मेरे हाथ में तुमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट ही सेफ रहेंगे। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, ऑजेबल क्या करता है, अपनी चेयर पर घूमता है और सेट डाउन और बैठ जाता है चुपचाप से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, कहता है कि अब की बार मैं मैनेजमेंट से पक्का शिकायत करूंगा लोगों की, और तुम्हें शर्त भी लगा सकता हूँ इस बात की। ही सेड ड्रीमली, दिस इज सेकंड टाइम इन मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू आउट द न्यूसेंस ऑफ द बालकनी, ये सेकंड टाइम इस वीक के अंदर है कि कोई मेरी बालकनी से चढ़ के अंदर आया है। पोलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और वहां पे एक विंडो होती है, उसको विंडो को देखने लगता है, फ्लोर भी देखने लगता है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, एक छोटी सी विंडो थी, ऑर्डनरी सी थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रीसिंग ब्लैकली, और उसके जिसके बाहर बस अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, रात का टाइम है भाई। बालकनी, मैक्स कहता बालकनी विद राइजिंग इन्फ्लेशन नॉट अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कहता नहीं यार मुझे तो बालकनी का पता ही नहीं था, इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल हैड आई नोन, मुझे पहले से पता होता तो मेरी दिक्कत कम हो जाती है, बालकनी से आ जाता। इट इज नॉट माई बालकनी, ओजेबल क्या कहता है, यार ये मेरी बालकनी नहीं है, एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ मतलब एक्टिंग करते हुए बोलता है कि यार ये तो मेरी बालकनी है ही नहीं, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बगल वाले की बालकनी है। ही ग्लैंस एक्सेप्लेंटरी एट फॉलर, यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज एंट्री, फॉलर की तरफ देखते हुए बोलता है जो कि लेखक होता है, उसको देख के बोलता है कि पता है ये रूम ना बहुत बड़ा रूम हुआ करता था पहले कभी, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर हेयर यूज टू बी लिविंग रूम, और ये पूरा रूम एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और ये बालकनी जो है मेरी विंडो के नीचे आ गई है। यू कैन गेट इन टू फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, और तुम इससे उतर के दो रूम नीचे बगल में वहां पर तुम जा सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, पिछले मंथ भी ये किसी ने करा था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट, मैनेजमेंट ने कहा था कि हाँ इसको ये बंद कर देंगे, पर इन लोगों ने अब तक इसको बंद नहीं करा। मैक्स ग्लेंस अ फॉलर हु हैज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, मैक्स देखता फॉलर को, फॉलर तो थर्ड बंदा है जिसको वो जानता नहीं है, उसकी तरफ देखता है एंड वेव द गन विद अ कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट प्लीज सिट डाउन, और वो तो खड़ा ही होता है, फॉलर कहता भाई नीचे नीचे बैठ जा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, कहता है कि अभी हमें आधा एक घंटा वेट करना है। आई थिंक 31 मिनट, ऑजेबल अपनी गर्दन हिलते कहता है 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 20:30, सॉरी 12:30 से बोला, अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू यू हैव लर्न अबाउट द रिपोर्ट, और मुझे मतलब मुझे पता होता है कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता होता, हम कुछ और तरीके से काम भी करते। द लिटिल स्पाई स्माइल इविली, द लिटिल स्पाई स्माइल इविली एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गोट द रिपोर्ट,
जो फिर जो मैक्स होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ हमें पता होता है कि तुम्हारे पास रिपोर्ट कैसे आएगी, पर देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं साथ ले लूंगा तुमसे। व्हाट इज दैट, हु इज दैट, डोर एकदम से गेट पे नॉक होता है और एकदम से वो कहता है अरे गेट पे कौन है, गेट पे कौन आया। मैक्स जो है फोलर जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फोलर जो होता है वो भी चौंक जाता है और जेबर जस्ट स्माइल, और जेबर स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, उसने बोला पुलिस होगी, ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसने कहा कि मैंने पहले ही सोच लिया था इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो पुलिस की प्रोटेक्शन तो चाहिए चाहिए थी, और ऊपर से जैसे तुम लोग तुम जैसे लोग आने वाले हैं हमें डर तो था ही, तो प्रोटेक्शन के लिए हमने पुलिस बुला रखी थी। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग यू आर ऑल राइट, और मैंने उन्हें बोल दिया था कि चेक करते रहना बीच बीच में आके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मैक्स जो अपने होठ ऐसे काटता है नर्वस में और नॉकिंग लगातार नॉक पड़ता रहता है, नॉक आवाज आती रहती थी, तेरे नॉक खट 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 खट। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, वो बोलता है उसे, बोल उससे बोलता है अब क्या करोगे भाई, इफ डू नॉट आंसर द डोर, अगर गेट का आंसर तुम्हें नहीं दिया तो वो तो अंदर आ जाएंगे, डोर अनलॉक्ड है एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो अंदर आके भाई टाइम लगाएंगे, वो तो फायरिंग कर देंगे, पुलिस है वो तो। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज इज ब्लॉक सेफ्टी टूवर्ड्स द विंडो, मैक्स का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है गुस्से में और वो पीछे की तरफ जाता 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 है, विंडो के पास जाता है, एक पैर विंडो से बाहर निकालता है, कहता है सेंड देम अवे, ने भेज दो बाहर, ही वांट, उसने बोला आई विल वेट ऑन द बालकनी, बालकनी वेट कर रहा हूँ, सेंड देम अवे, सेंड देम अवे और आई विल शूट एनी टेक माई चांसेस। उसने कहा ना तो भेज दो नहीं तो मैं शूट करके मतलब बंदूक चला के कुछ ना कुछ करके सब सामान ले लूंगा, फिर बंदे मरे तो मरे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नॉकिंग द डोर बिकम्स लाउडर, आवाज तेज होती चली जाती है, वॉइस वाज रेज मिस्टर ऑजिबल मिस्टर ऑजिबल, आवाज आने लगती है मिस्टर ऑजिबल मिस्टर ऑजिबल, जो भी बंदा बाहर खड़ा होता है आवाज मान लगता है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, वो बंदूक को ऐसे रख के ऐसे बैक साइड से उतर रहा होता है उनकी तरफ, बंदूक रखती है कि भाई बंदूक ही रखेगा तो क्या पता पकड़ ले, बंदूक दिखा के डरा के रखता है। देन ही स्विंग्स अदर लेग अप एंड अवॉइड द विंडो स्टिल, पहले एक पैर निकालता है फिर दूसरा पैर निकाल के एकदम से छोड़ता है, द नो डोर नो टर्न, इतनी देर में क्या होता है गेट खुल जाता है। स्विफ्टली मैक्स पुश विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द स्टील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, मैक्स क्या करता है, मैक्स को लगता है गेट खुल गया भगना तो पड़ेगा, वो एकदम से हाथ छोड़ के नीचे कूद जाता है बालकनी में, एंड देन हीज ड्रॉप हिज स्क्रीन वंस, जैसे ही वो नीचे कूदता है एकदम उसके चिल्लाने की आवाज आती है आ, एकदम से शांत। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, गेट खुलता है एक वेटर आता है एक बोतल दो ग्लास मतलब खाने पीने का सामान लेकर आया होता है, ही इज अ ड्रिंक यू ऑर्डर फ्रॉम मेन्यू रिटर्न, आपका सामान जब आप आए थे तो आपने बुक करा था, मतलब उसने ऑर्डर ऑजेबल ने आते ही अपना एक सामान बुक कर दिया था। ही सेट सेट द ट्रे ऑन द टेबल डेफली अनकॉक द बोतल लेफ्ट द रूम, उसने बोला ठीक है यहाँ पे टेबल पर सामान रख दो, सामान रख के चले जाओ। व्हाइट फेस फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम, और फॉलर की तो हालत हाँ खराब होती है, और राइटर होता है उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ, कहता पर पुलिस कहाँ है, पुलिस पुलिस, उन्होंने बोला भाई पुलिस तो है नहीं, हॉजिबल ने बोला पुलिस तो है नहीं, एक हैनरी था जिसको मैंने सामान के लिए बुलाया था और मुझे पता भी था यही आएगा, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी फॉलर बिगेन, उसने कहा पर वो बंदा बालकनी में वेट कर रहा है अभी तो उतर के गया है यहाँ से, उसने बोला नहीं ही विल नॉट रिटर्न, वो रिटर्न नहीं आएगा मतलब वापस नहीं आएगा, यू सी माई यंग फ्रेंड दिस नो बालकनी, यहाँ बालकनी है ही नहीं, चैप्टर के स्टार्ट में बताया था छठे माले पर रह रहे हैं मतलब छठी मंजिल पर रह रहे हैं, छठी मंजिल के बाद वो सीधे खिड़की छह मंजिल नीचे जाती है, वो उसको बेवकूफ बनाता है कि वो यहाँ पर जो है बालकनी है और उसको पता था कि कोई आएगा और मैं उसे डरा के वापस भेज दूंगा, अरे बालकनी से कूदेगा कूद के मर जाएगा, कुल मिला के क्या होगा मैक्स नीचे गिर के मर गया, और कुल मिला के यहाँ पर क्या शो करा गया कि जरूरी नहीं कि इंसान के खुलिया से उसको जज करा जाए कि वो किस तरीके से दिखता है, मोटा है फैट है या किसी भी तरीके से है, वो सब उसके दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कितना तेज दिमाग लगाता है। ठीक है बेटा, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, अब आपसे मिलते हैं दोबारा नई स्टोरी में, चैप्टर 4 हम इसके बाद इसका करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।